दोस्तों नितिन भैया बता रहे हैं जो ये जो झोलासाल है सेना पानी जो रूट है ये वाला, यहाँ का सबसे बड़ा टाइगर इसी एरिया में रहता है। नाइट ड्राइव में लाइटिंग हो तो ऐसी हो, तो नाइट ड्राइव करो ही मत। बिल्कुल है कि नहीं? हाथ लगा के बैठ जाएगा धीरे 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 धीरे, यहाँ जाएगा इजी शिकार। ये देखो ओपन बैठी हैं, ओपन बैठी रही गाय और भैंस। इतना शानदार बरगद का पेड़ है, देखिए दोस्तों। ओ ओ यहाँ भी आग चमक रही है, रुको 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 रुको, दिख गया कुछ, पीछे करो पीछे। दोस्तों ये हमारी ट्रैकिंग हो रही है, हम जैसे चैंपियन ट्री देखने जो कि नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगल में है। पीला पानी रेंज, एशिया का सबसे बड़ा पेड़। ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपनी गाड़ी पे। हमें ट्रैक करने समझो एक घंटा लगा है आने और जाने और वहाँ की वीडियो बनाने में। दोस्तों नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, ये देखिए नाइट स्टार बोल रही है, ये देखिए। अभी यहाँ से हमें जाना है 25 किलोमीटर नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास जो अपना ब्लिसफुल होम स्टे है। हम अभी कुछ अपना यहाँ पे स्नैक्स लाए हैं, वो अभी फिनिश कर रहे हैं, सैंडविच वगैरह और चाय कॉफ़ी जो है, तो फिर चलते हैं यहाँ से वापस। यहाँ कुछ झाड़ियाँ हिली थी अभी, हर जगह नाइट जार की आवाज़ आ रही है। मेरी फेवरेट है दोस्तों नाइट जार, इसकी आवाज़ चार चांद लगा देती है। अभी अपनी लाइट चलेगी ना ये फ्रंट वाली, वो ये क्या हुआ? हाथी है भाई आगे, कड़क कोई ठानी। ये कौन बोला? दो बार बोला यार, वो हाथी, हाथी आगे भाई। हाँ मोर तभी बोल रहे हैं, चलना है कैसे आगे? हाँ चलो, अभी नहीं अभी नहीं। ये है दोस्तों नाइट ड्राइव, ये देखिए ये देखिए आंखें चमक रही हैं दोस्तों। ये दो हैं तो डियर है, ये टाइगर की लाल चमकती है, चलो ग्रीन है। दोस्तों नितिन भैया बता रहे हैं अभी हाथी सारे इस टाइम जंगल में खा रहे हैं। तो ये देखिए वाटरफॉल, देखिए ये वाला जो मैन मेड है, ये इसमें आएंगे पानी पीने सब। और ये यहाँ पे लगा बैम्बू, पूरा बैम्बू का जंगल, इसको खाएंगे फिर, ये रूटीन है इनकी जो है। अभी क्या है देखो,
अंधेरा हो रहा है, ये देखिए ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, पीला पानी चौकी भी है लेफ्ट हैंड पे। पीला पानी चौकी के नीचे नदी है, नदी में पानी है। अभी टाइम ज़्यादा हो गया ना तो आपको दिखा देते हैं, तो आपको दिखा देते चौकी बोगली जो है। और वहाँ बोले अभी फॉरेस्ट गार्ड मिले थे ना बुलेट पे, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, तो उन्होंने बताया था एलिफेंट हैं वहाँ पे। दोस्तों रात होते ही टाइगर और लैपर्ड एक्टिव हो जाते हैं अपने शिकार के लिए। दोस्तों अभी यहाँ से झोलासाल FRH 5 किलोमीटर है। यहाँ पे पीला पानी रेंज के पास एक गुज्जरों का डेरा भी है। नितिन भैया बता रहे हैं उनके पता नहीं कितने कैटल्स खा गया टाइगर जो है, और कुछ थोड़े से ही रह गए हैं जो किसी टाइम बहुत ज़्यादा थे उनके। ये रात को दोस्तों बस इसी शिकार चक्कर में रहता है ये डेरों के पास। डेरे क्या है, जंगल के अंदर होते हैं ना। अब जैसे टाइगर कोई भी समझो गांव के पास जल्दी जल्दी नहीं आता जो है जंगल से बाहर निकल के, पर ये जो इनके डेरे गुज्जरों के होते हैं वो जंगल के अंदर ही होते हैं, तो उसको इजी शिकार मिल जाता है यहाँ से जो है। बोले 20-25 जन रहते हैं बस, बाकी चले गए छोड़ गए यहाँ से, यानी अपनी मर्जी से जाते हैं सब, अपनी मर्जी से जाते हैं ना सब। ये देखिए इस तरह, हाँ जी, अच्छा अच्छा ठीक है भैया, बता रहे हैं जो झोलासाल के पास हमने आपको दिखाई थी वीडियो एक जो है अपनी, गुजरों गए थे डेरे पे हम भी, जो फैमिली का इंटरव्यू लिया था, बोले उस तरफ बना लिए घर, यहाँ से निकल गए, यानी कि डेंस जंगल है, यहाँ से निकल के वहाँ चल गए। दोस्तों नितिन भैया बता रहे हैं जो ये जो झोलासाल है सेना पानी जो रूट है ये वाला, यहाँ का सबसे बड़ा टाइगर इसी एरिया में रहता है। बोले बहुत बड़े बड़े पंजे दिखते हैं जब उसके दिखते हैं, पर देखने को तो मिला नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड जो है वो बताते हैं सबसे बड़ा टाइगर है यहाँ का। नितिन भैया मेरी ना समझो एक दुविधा में हूँ मैं, बार बार मैं जंगलों में जाता हूँ जी सर, तो मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स कुछ मेरे फ्रेंड सब कहते हैं जी कि जंगलों में भूत रहते हैं। अच्छा ये आप बात सच्ची है कि आप भी इग्नोर करते हो? देखिए मैं इस बात को तो पहले इग्नोर ही करूँगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, हाँ जी, आप जंगल में हैं या सिटी में हैं, आप किसी भी एरिया में हैं, हाँ, जहाँ पर आपका मन हल्का सा डाउटफुल आ गया कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट है, यहाँ पर कुछ है, जहाँ पर मन आपका मतलब मचल गया हल्का सा, हाँ, कि आपको हल्के से एक झिझक जैसे हो गई, ठीक है, वहाँ पर आपके लिए भूत अपना प्रयोग रहेगा, वहाँ पर आपके लिए हलचल अपना प्रयोग हो जाएगी, वहाँ पर आपको लगेगा कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्टिविटी। अरे रोंगटे खड़े हो गए बात सुन के, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है जो है। हमसे भी जैसे मैं सफारी कराता हूँ तो बहुत सारे गेस्ट पूछते रहते हैं, तो उनके लिए जवाब भी यही है, ये एक फीलिंग आ जाती है यार। मैं यही कहता हूँ जो है, अभी मैं मलानी में रुक के आया जिम कॉर्बेट के, बजरानी के अंदर है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मलानी जी जी, हम उसके बारे में सुन रखा था कि यार ऐसे कुछ हवा है, हाँ। उसके बारे में लोग बोलते हैं, और मैं इस बार गया, मैंने व्लॉग बनाया, ठीक है, रात रात तक जाके बारिश हुई बहुत ज़बरदस्त, तो हमारा जो ओल्ड FRH था हम वहाँ रुके, और जो हमारे ड्राइवर थे कमल डोगरा जी और उनके साथ एक और थे इरशाद भाई, इरशाद भाई दोनों इकट्ठे सोए। चलो जी रात को बारिश हुई, हाँ हम लोग सुबह मिले आपस में कि हाँ भाई हम तो ऐसे मजाक कर रहे, यार कौन सा भूत था क्या था यहाँ कुछ नहीं था, हम ऐसे मजाक कर रहे। हमारे जो ड्राइवर कमल जी आए कहते रात को मुझे छू के गए। अच्छा अरे भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं मजाक कर रहा है हंस रहा है, कहता नहीं डोगरा जी रात को भूत मिला,
भूत मिला वहाँ रात को? रात पूरा लग गया मुझे, भूत आया था बताओ। हाँ मजाक कर रहे हैं डोगरा जी, मुझे हिलाया रात इन्हें पूरा। इशाद ने? इसने नहीं, पता नहीं किसने हिलाया मुझे। यार क्या मजाक कर रहे हो यार, सुबह सुबह चाय हाथ में, झूठ छोड़ना बोलूंगा तो चाय तो हाथ में ही, बाकी ऐसे तो मुंह थोड़ी नीचे करके पियोगे टेबल पे रख के। डोगरा जी को रात को भूत आए थे बता रहे हैं वहाँ पे, मुझे पूरा हिलाया, मैं 3:30 बजे का उठाऊँ। अरे हम यार उसने ये बोल के ना मेरे को फिर दुविधा में डाल दिया। लेकिन ऐसा होता है कि कहीं जगह पे जहाँ पर डर लग गई ना, हाँ वहाँ पर हो ही जाता है, वो बोलते कि डर लग जाता है उसके बाद, मतलब हाँ जी वो मन में बैठ जाता है। वो बोलते कि मैंने बाजू में देखा इरशाद को, वो पीट करके सो रहा था, तो फिर कौन था जो मुझे हिला के गया है, मेरे कंधे में हाथ रख के गया है। बोले बाद में उस शेड के जो वहाँ पे उनकी जो शेड ऊपर छत थी उस पर पत्थर गिराए हैं। यार मैं उसको बोला रात को बारिश हो रही थी, मेरे ओल्ड एफरेज में भी आवाज़ें आई हैं पत्थर गिरने की, तो वो जैसे बर्फ में गोले नहीं गिरते वो होंगे, हो सकते हैं। ये फिर ये बात फिर दुविधा में रह गई यार, वो नहीं मान रहा जो है। मैं उसके मलानी मानने वाले ऊपर की बात है ना कि लोग मान क्या रहेंगे। हाँ मैं मलानी के बाद डिकाला गया ना, मैं डिकाला में ये बात कंफर्म करनी चाहिए कि यार तू सच बोल रहा झूठ बोल रहा था। कहते मैं अपनी बात पे पक्का हूँ वो भूत था, कुछ हवा थी बोले, वो भी जो छू के गई है मुझे, वो नहीं मान रहा। मैं तो कभी नहीं मानूंगा यार दो चीज़ें जब तक मेरे को फील नहीं होगा। दोस्तों भले ही हमें अब तक एक सिंगल स्पॉटेड डियर या बार्किंग डियर कुछ दिखा नहीं है, पर दोस्तों इस जंगल के अंदर बहुत वाइल्ड एनिमल हैं, भरे पड़े हैं, बहुत शाही हैं। आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा था, गाड़ी को देख के ही भाग जाते हैं। अभी एलिफेंट की मूवमेंट इस तरफ नहीं है बिकॉज यहाँ पानी नहीं है, बाकी रास्ते में एक जगह पानी है ना एक नदी में, वहाँ मिल सकते हैं हमें जो है। हाँ पानी है, यहाँ पानी है, और देखते हैं कोई पंजे वंजे लगे हैं। मिट्टी उड़ने लग जाती है यहाँ फटाफट, मिट्टी उड़ने लग जाती है यहाँ फटाफट। देखो दोस्तों सामने आपको कुछ लाइट दिख रही है, ये देखिए ये लाइट दिख रही है, ठीक है इधर भी है कुछ लाइट। ये दोस्तों होते हैं जो गुजरों के डेरे, चलो इसके ऊपर आपको बात बताते हैं। दोस्तों जो इनके घर होते हैं ना, कहते हैं मड हाउस जो होते हैं, ये गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं। दोस्तों एक तो जो जंगल है ये देखिए, दिन में भले ही गर्म होगा रात को ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। तभी दोस्तों इनको जो है एसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों इनको? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इनके लिए वही एसी रूम है, शाम को बैठ जाएंगे एकांत में एसी फेल है। हाँ भाई पंजे हैं क्या? गाय के हैं, गाय के हैं इनके होंगे ना, जो गुज्जर फैमिली से रहती है उनके कैटल्स के होंगे जो है। देखिए दोस्तों ये लाइटें जग रही ना, इनके सब वही खत्ते बोलते हैं डेरे बोलते हैं वही है। हसपुर चौकी के जो घर हैं वो इतने मतलब शानदार बना रखे हैं उन्होंने। देखिए कैसे गुफा दिख रही है, अरे 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 क्या बात है। हसपुर चौकी के जो उन्होंने वो बना रखे हैं, जो घर बना रखे हैं, हाँ। सजावट इतने, खिड़कियाँ इतनी शानदार, हाँ क्या बात है। अच्छा नहीं मैंने देखा है, मैंने यहाँ मानगढ़ भी देखा है, वहाँ पप्पू जी थे उनके घर भी एकदम चमक रहे थे जो है, हाँ साफ नीट एंड क्लीन। इनके मट्ठे को मिस कर रहा हूँ मैं। जी जी हाँ दोस्तों ये देखिए झोला साल रेंज ऑफिस की चौकी है, यहाँ पे रेंजर साहब भी होते हैं, यही स्टे करते हैं ना रेंजर साहब तो। हाँ देखो कार गाड़ी भी खड़ी थी अंदर, दो गाड़ियाँ खड़ी थी। दोस्तों जंगल में होते तक कोई डरने का नहीं, ये चीज़ें तो आम हैं, हो जाती हैं। अभी उस टाइम तो हम भी भूत लग रहे हैं। नाइट ड्राइव में लाइटिंग हो तो ऐसी हो,
तो नाइट ड्राइव करो ही मत, बिल्कुल है कि नहीं दोस्तों। थोड़ी सी जिप्सी में थोड़ा एक काम है, यानी कि खड़क जाती है आने जाने में, और जो इसमें लाइटिंग है ना दूसरी जिप्सी में नहीं थी, इसलिए यही गाड़ी लेके आए हैं हम। लो आगे लो, हाँ उसको कवर करते हैं, वो क्या है पकड़ो। नहीं लैपर तो नहीं है भाई, हाँ लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो। नहीं चलो चलो आगे चलो चलो चलो, बस रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो। भाई तो रेयर चीज दिख गई ना, बैट है बैट है बैट है, मारा हाँ देखो क्या है ये, फैट लग रहा है मुझे बैट। ये देख क्या भाई, ये हाँ अब थोड़ी सी जगह रखो, बैट है बैट, आउली है आउल थोड़ी है यार, नाम कहते हैं रुको, ये आउल में आउल है आउल है। अरे मुझे बैट लग रहा है, वहां जाके कैप्चर किया हुआ है। दोस्तों ये कुछ रेयर चीज दिखी है, नितिन भैया भी इसको पहचान नहीं पा रहे, आपको अगर कुछ पता हो तो इसके बारे में कमेंट जरूर करना, बाकी हम ये कैंपस में जाके वहाँ पता कर ही लेंगे क्या है ये। मेरे हिसाब से ये कुछ बैट है जो छलांग मारेगा भी, या फिर एक स्क्विरल भी होती है भाई, एक स्क्विरल होती है जिसके अपना वो अपना जंप मारती है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, ऐसे उड़ के जाती है जो है, और वहाँ जाके चिपक जाती है दूसरे पेड़ पे जाके, वो भी हो सकती है। ये देखो भैया ये चलो इस नदी में पानी है, इसको थोड़ा देखेंगे इधर उधर, खाती ना हो। ये तो इनकी गाय भैंस खड़ी हैं, गाय खड़ी हैं देखो यहाँ पे, ओपन खड़ी हैं जंगल में देख लो, फिर टाइगर तो खाएगा ना। चलो 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 थोड़ा आराम से लेना, वाटर ऑल के साथ से दूर तक ले लो भैया, आप भी सीख गए पूरा, वाह वाह वाह। छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही हैं पानी में, देखो जंप कर रही हैं। ये देखिए ये है ट्रेल इसकी जो है, ये देखो यहाँ से आता है, पहले यहाँ घात लगा के बैठ जाएगा, धीरे 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 यहाँ जाएगा इजी शिकार। ये देखो ओपन बैठी हैं, ओपन बैठी देखिए गाय और भैंस, यार पानी था बहुत लास्ट टाइम आए थे तो, वो क्या था? वो था बैट था, वो उड़ के गया। इस टाइम पेड़ों पे वो दिख सकता है येलो थ्रोटेड मार्टिन, ऐसे डेंस फॉरेस्ट में रहता है दोस्तों। कैसे कैसे झिंगूर की आवाजें आती हैं जंगल में, देखिए दोस्तों दोनों तरफ
पार की हुई है और हाथी इसको फिर भी तोड़ देता है दोस्तों। उसके लिए हाथी के लिए कुछ भी नहीं है, अगर इसमें करंट हो तो भी पेड़ गिरा देता है, तो भी पेड़ गिरा देगा इसके ऊपर। कितना शानदार बरगद का पेड़ है देखिए दोस्तों। ओ ओ यहाँ भी आग चमक रही है, रुको 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 रुको, दिख गया कुछ, पीछे करो पीछे करो यार, थोड़ी पैटर दिख गई, ये देखो थोड़ी मॉडल, ये देखो इस पे, ये देखो ये चल रही है, ये चल रही है भाई, पीछे करो पीछे करो पीछे करो पीछे करो पीछे करो, बड़ा शानदार पॉप मिल रहा है, पीछे करो। मैं कब से ढूंढ रहा दोस्तों इसको, मिल ही गई, ये देखो इधर ही आ रही है, अपनी तरफ ही आ रही, नीचे उतर रही है। ये दो तीन जोड़ा होता है, वो देखो वो ऊपर जा रही है इस साइड, ये मेरा कैमरा हिल गया, मेरे को मिल नहीं रही कहाँ है। चलो पीछे को चली गई दोस्तों, क्या शानदार शॉट मिलना था यार, थोड़ा सा आया तो है कैमरे में पर निकल गई जो है अपने हाथ से। देखो मैंने नाम लिया था येलो थ्रोटेड मार्टिन और दिख गई हमें। चलो ये प्लांटेशन में कैसे चले जाते हैं डियर, बहुत सारे हैं, सब डियर हैं भैया, पर ये है इनके पीछे लैपड़ वैपड़ हो सकता है, पर इनको स्मेल आ जाती है, कॉल कर लेते हैं फटाफट। रुको 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 रुको, बहुत पास में आ गए, ओ इतने सारे डियर पीछे पीछे है क्या, ओ भाई साहब तो। चलो 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 टाइगर का बूढ़ा भाई, चलो ये बोलते हैं इसके पीछा नहीं करना चाहिए, ये बहुत भटकाता है, तो शिकार हो जाता है, देखो 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 फिर रोड पे आएगा, देखना ये यहाँ हो सकता है हाथी, पानी है वो क्या बैठा लास्ट में, पत्थर है, चलो यहाँ देखो पानी पुनी नीचे निकला ना हो, हिरण की ड्रॉपिंग पड़ी है, सारे हिरण आए थे पानी पीने, ये देखिए दोस्तों हम आ गए बाहर, पूरा सूखा पड़ा है, पूरा सूखा पड़ा है यहाँ दोस्तों, ये मछली वन की नदी है, मछली वन जो आता है पानी, इधर भी कभी कभी पंजे लगे होते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों पहुंच गए हम ब्लिसफुल होम स्टे, क्या भाई साहब आए नहीं आज दोस्तों, ये थी हमारी नंदौर की नाइट ड्राइव, तो हम लेट हो गए आने में, तो स्लो स्लो आना पड़ता है, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना भैया।
देखो पूरा पाउडर हो गया एकदम। तो दोस्तों ये ब्लॉग को एंड करते हैं, आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।